तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 5 मींस डे 5। तो पांचवा दिन का हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक चल रहा है। तो मैं एक बार फिर से अभी सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके के ऊपर हम लोग चला रहे हैं, तो ये आपका अभी जो आपका SSC MTS CHSL CGL आने वाला है, जिसमें स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें से 25 में से 10-12 नंबर स्टैटिक जीके से आएंगे। और इसके साथ साथ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें स्टैटिक जीके जो आएगा तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सभी अलग अलग स्टेट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे गोवा है, तो गोवा का हम लोग क्या करेंगे, फोक डांस देखेंगे, फेस्टिवल देखेंगे, मंदिर देखेंगे और नेशनल पार्क और इंपॉर्टेंट डेज को मैं लेकर के चल रहा हूँ। इसी तरह मैंने इससे पहले आपका असम करवा चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश हो चुका है, छत्तीसगढ़ हो चुका है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट आज हमारा जो डे है आपका क्या बोलते हैं, और डे भी करवा चुका, तो इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करवा चुका हूँ और ये हमारे जून का डे है। तो इसमें करूंगा क्या, स्टैटिक जीके आप भी करते हो, यूट्यूब से करते हो, ऑनलाइन से भी लोग करते हो, तो इसमें फर्क क्या है भैया, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आपको मैं ट्रिक से ही याद करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। ट्रिक का मतलब, कहने का मतलब क्या, आपको रिलेट करके याद करो, वैसा ट्रिक याद करवाऊंगा ना, ये रटने वाला ट्रिक मैं याद नहीं करवाता भाई, है ना। इसीलिए हमारा स्टैटिक जीके का वीडियो बाकी सबसे बहुत डिफरेंस मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे खोज लेना, ऐसा कोई पढ़ाएगा ही नहीं ना, ऐसा अभी तक कोई है यूट्यूब के जो पूरा स्टैटिक जीके को ट्रिक से याद कर वाएगा, सिर्फ शिवम क्लासेस धनबाद को छोड़ के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा इस चीज़ों को पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्या होगा ना, हम लोग बता देंगे स्टैटिक जीके का हम लोग का 40 से 45 टॉपिक जितना भी होता है सबको हम लोग खत्म करेंगे। तो आज है हमारा इंपॉर्टेंट डेज है, डे 6 है। तो हम लोग चलते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा में देखिए क्या है, तो गोवा के हम लोग लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले। तो गोवा में लोक नृत्य बहुत ऐसा लोक नृत्य है ना, और एग्जाम में बहुत फंसा रहा है, इस बार SSC एग्जाम में ऐसे ऐसे नृत्य दे रहे, त्यौहार दे रहे ना, मतलब कि फंसा रहा। तो पूरा जो इंपॉर्टेंट है सभी को मैंने लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। तो गोवा का देखेंगे, तो गोवा का हमारा क्या है, डांस है, लोक नृत्य क्या क्या है, फुगदी, देखनी, धनगर, फुगदी डांस है, फिर देखनी नृत्य, धनगर नृत्य है, मेरुलम नृत्य है, फिर घोड़े मोड़नी नृत्य है, फिर दिव्या दलाम है, है ना, फिर दशा अवतार नृत्य है, फिर तरंग मेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, फिर डेलो नृत्य है, फिर जागोर नृत्य और कुनबी नृत्य है। तो देखो इतना है, आप याद ही नहीं होगा भैया, कैसे भी कर लो याद नहीं होगा, लेकिन कैसे हम लोग याद करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, मैंने इसका नीचे ट्रिक लिख रखा है। तो ट्रिक क्या है, फूल देख लो मेले में जब खूब धन है। अगर आप गए गोवा, गए और गोवा गए तो और आपके पास क्या, बहुत सारा पैसा है, तभी तो गोवा जाओगे, चलो ये ठीक है। अब जिसके पास पैसा है तो वो क्या करेगा, मेला जाएगा और मेला में जाकर के क्या करेगा, फूल ढेर सारा देख रहा है ना, उसको फूल पसंद आ गया। तो फूल कौन खरीदेगा भैया, जिसके पास ढेर सारा धन है, तो वही बोल रहा है फूल देख लो मेले में जब खूब धन है। जब आपके पास खूब धन है तो मेले में गए हो, कहाँ, गोवा के मेले में गए हो, तो जाकर फूल देख लो, कलियां देख लो, ठीक है, ऐसे फूल देख लो, खूब धन है, साथ ही 10 दिव्य घोड़े भी, और साथ ही क्या देख लेना, 10 गो दिव्य घोड़े भी खड़े हैं ना, वो भी देख लो, वो भी खरीद लेना, मतलब घोड़े भी बिकते हैं ऐसे, तो साथ ही क्या देख लोगे, 10 दिव्य घोड़े भी। तो बस ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है, फूल देख लो मेले में जब खूब धन है आपके पास और साथ ही 10 दिव्य घोड़े, बस कहां पे देखोगे फूल आप, गोवा, मतलब ऐसे चीजें आपको याद रहेंगी। तो फूल से क्या हो गया आपका भैया, यहां पे फूल से फुगदी डांस हो गया, देख, देख से क्या हो गया, देखनी डांस हो गया, लो, लो से क्या आपका हो गया, यहाँ पे लो आपका, यहाँ पे लो से क्या होगा, लो साइलेंट रहेगा, ठीक है, लो आपका साइलेंट रहेगा, है ना। अब बात करते हैं आपका, यहाँ पे देखते हैं मेले, मेले से क्या हो गया, मेरुलेम हो गया, फिर मे, मे से क्या हो गया आपका, सॉरी मे भी आपका साइलेंट रहेगा, लो भी आपका साइलेंट रहेगा, फिर जब खूब धन है, तो जब से क्या होगा, जब से जागोर, जब से जागोर नृत्य हो गया, खूब, खूब से कुनबी, 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 खूब से कुनबी, अरे ब खून कुनबी, ऐसे याद रखते थे। धन, धन से आपका क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे धन से धनगर है ना, और साथ ही धन है और साथ ही आपका साइलेंट रहेगा, जो जो साइलेंट मैं कट कर दे रहा हूं, साथ ही क्या देख लोगे, 10 दिव्य घोड़े, 10 से क्या हो गया, दशा अवतार, दिव्य से क्या हो गया आपका, तो सोचो इसमें कौन सा रहा, दिव्य से दिव्य अलाम हो गया, घोड़े से क्या हो गया, घोड़े मोड़नी हो गया, क्या हो गया, घोड़े से घोड़नी मोड़ी, और हाँ एक जो यहाँ पे मेले है ना,
मेले से, देखो मेले से क्या आएगा, मेरुलेम आएगा और तरंग मेल आएगा, तो मेले मेले इस तरह रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो ट्रिक से कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना और दिल से यार एक कमेंट प्लीज़ अपने भाई के लिए कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा तो वो भी कमेंट कर देना कि अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला हमारा फेस्टिवल, तो गोवा का ही फेस्टिवल चल रहा है, तो गोवा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या क्या है, देखो आप सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, एक पर्व है ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है याद रखना, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व। फिर बात करते हैं बोडरम पर्व, कौन सा बोडरम पर्व। फिर अंगूर महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंगूर महोत्सव। फिर साओ जोवाओ, क्या है साओ जोवाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साओ जोवाओ। फिर थ्री किंग्स, क्या है थ्री किंग्स, और सिमगो त्यौहार है ना। देखो आप कोई कोई बुक में देखो दो को दिया हुआ, तीन को दिया, किसी बुक में ये दिया हुआ दो को, किसी बुक में नहीं दिया, तो मैं पूरे बुक से और नेट से और प्रीवियस ईयर को कंपाइल करके मैं बनाया हुआ। सिग्मो महोत्सव हर साल मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क आप लोग मार लेना, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो क्या है, किंग सेंट लगा जाओ सिनेमा बॉडी में, किंग सेंट लगा के जाओ। तो देखो यहाँ पे इसका ट्रिक ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि वहाँ गोवा में क्या होता है, बहुत ही राजा महाराजा है पहले कह रहते थे ना, अब गोवा में कोई जाएगा राजा जाएगा तो क्या करेगा, तो मान लो कोई गोवा का एक राजा है, अब वो कहाँ जा रहा है सिनेमा देखने जा रहा है, सिनेमा देखने जाएगा तो ऐसे ही जाएगा भाई, परफ्यूम वगैरह वगैरह लगा करके जाएगा, क्या जाएगा परफ्यूम लगा करके जाएगा, क्या ची में लगाएगा बॉडी में, पूरे अपने बॉडी में किंग जो है क्या लगाएगा बॉडी में परफ्यूम लगा करके जाएगा। तो भैया यही ट्रिक ही है, कैसे ट्रिक है, किंग सेंट, सेंट मतलब परफ्यूम लगा के जाओ, लगा के जाओ, तो लगा जाओ कहाँ सिनेमा में बॉडी में है ना, लगा के जाओ सिनेमा बॉडी में, तो ऐसे बोलेंगे किंग सेंट लगा के जाओ सिनेमा है ना बॉडी में, तो कहाँ लगाना है आपको बॉडी में, तो किंग सेंट लगा जाओ सिनेमा बॉडी में, तो लगा के जाओ सिनेमा बॉडी में, अपने सेंट लगा के जाओ। अब देखो इसका कैसा ट्रिक आया था, किंग से क्या हो गया भाई मेरे, किंग से हो गया सॉरी किंग से हो गया थ्री किंग्स पर्व, फिर लगा, लगा आपका यहाँ पे आपका क्या रहेगा साइलेंट रहेगा, फिर क्या रहेगा लगा आपका साइलेंट रहेगा, जाओ, जाओ से क्या हो गया आपका जाओ सॉरी किंग से क्या हो गया आपका थ्री किंग्स हो गया, सेंट से क्या हो गया सेंट फ्रांसिस रहेगा है ना, जाओ से क्या हो गया आपका क्या बोलते हैं जाओ से हो गया साओ जोगाओ है ना, सिनेमा से क्या हो गया सिमगो महोत्सव, अब बॉडी से क्या हो गया बोडरम महोत्सव, और एक बचा यहाँ पे अंगूर, तो अंगूर मैं बताता हूँ भाई गोवा में क्या होता है ना, वाइन बहुत ही सस्ती है, मतलब दारू जो होता है मिलता है वाइन जो वहाँ सस्ती है, मतलब वाइन मतलब बियर भी सस्ती है, क्यों सस्ती है क्योंकि वहाँ अंगूर सस्ते होंगे, क्योंकि अंगूर से ही क्या होते हैं फलों से क्या बनते बियर बनता, तो अंगूर सस्ते हो तो कहाँ, तो अंगूर महोत्सव भी वहीं मनाए जाते हैं। ऐसे हम लोग चीज़ों को रिलेट करके आते हैं, हर चीज को रटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो स्टैटिक जीके का 30 से 40 टॉपिक है भैया, आप 40 टॉपिक को आप खुद से पढ़ के देखो यार याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे रिलेट करके चीज देखेंगे तो आपका जितना समय लगेगा उसको रटने में, मान लो 10 घंटा 20 घंटा लग रहा है, एक महीना समय लग रहा है, तो आप इस तरह रिलेट करके याद रखोगे तो 10-15 दिन में आपको याद हो जाएगा, और चीजें ऐसे रिलेट करने से क्या होगा आप ऑप्शन छांट पाओगे। अब बात करते हैं टेम्पल मंदिर, तो गोवा के फेमस मंदिर क्या क्या है, तीन ही है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो मंगेशी मंदिर सप्तकोटेश्वर मंदिर और कामाक्षी मंदिर है ना, तो क्या जाएंगे आप तो देखो आप मंदिर जाओगे तो क्या मांगोगे, कोई मन्नत मांगोगे, क्या मांगोगे मन्नत मांगोगे, किससे मांगोगे ईश्वर से, तो ईश्वर से क्या सप्तकोटेश्वर, कोटेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से क्या मांगोगे, मांगोगे मांगो से क्या होगा मंगेशी, मांगना है तो मंगेशी, क्या मांगोगे आपका काम अच्छा हो, तो काम अच्छा से हो क्या होगा कामाक्षी मंदिर, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसके गोवा के आपके नेशनल पार्क है, ठीक है तो इसको आप लोग को देखना है, तो गोवा के नेशनल पार्क है, देखिए अब देखिए क्या डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्षी अभयारण्य है, इसको आप लोग मार देना स्टार है ना स्टार मार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी हो गया, मोलम नेशनल पार्क एमपी से क्या है नेशनल पार्क शॉर्ट फॉर्म लोग दिया, फिर बोडला वन्य जीव अभयारण्य मतलब बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोलते हैं, फिर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS लिख दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य, फिर कोटी गांव वन्य जीव अभयारण्य है ना, कोटी गांव वन्य जीव अभयारण्य
है ना, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो देखो मानते हैं कि एक सलीम जो थे, सलीम नाम के एक मौला थे, क्या थे, मौला थे, ठीक है। अब वो मौला थे, अब वो मौला बोले भगवान के पास गए, अब वो मौला जी कहाँ गए, सलीम मौला जी कहाँ गए, भगवान के पास बोले, और भगवान को क्या बोले, कोटि कोटि प्रणाम, क्या याद रखेंगे, कोटि कोटि प्रणाम बोले। तो कैसे अपना ट्रिक हो गया, सलीम मौला बोले, सलीम मौला बोला भगवान कोटि कोटि प्रणाम, सलीम मौला क्या बोला भगवान को, कोटि कोटि प्रणाम। तो सलीम से क्या हो गया मेरे भाई, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, मौला से क्या हो गया, मोलम नेशनल पार्क, बोला से क्या हो गया आपका, बोडला वन जीव अभ्यारण, भगवान से क्या हो गया, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, कोटी कोटी से क्या हो गया, कोटी गांव हो गया, है ना। तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिक अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो भाई, कि आपके साथ जो जिनको नहीं पता वो भी इस ट्रिक का फायदा उठा सके। अब बात करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट डेज, जून का इंपॉर्टेंट डेज, तो कैसे याद करेंगे, देखो 1 जून को क्या है हमारा, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, मतलब विश्व दुग्ध दिवस, और भारत में दुग्ध के क्रांति के जनक कौन है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दो, डॉक्टर वर्गी कुर्जियन है ना, जो अमूल दूध है उसके संस्थापक भी है, कहाँ के है वो, गुजरात के हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड मिल्क डे विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं एक ही जून को क्या है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि माता पिता के लिए एक दिन है ना, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है वो हो गया। तो देखो एक तारीख है तो पेरेंट्स से माता पिता, तो हम सभी लोग का सबसे पहले जब पैदा लेते हैं है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने माता का दूध पीते हैं, क्या अपने माता का दूध से ही पीते हैं, है ना, और हमारा क्या होता है, मजबूत बनते हैं। तो पहला, सबसे पहला दिन हम किसका दूध पीते हैं, अपने माता का दूध पीते हैं, मतलब पेरेंट्स को क्या दूध पीते हैं, माता का। तो पहला दिन ही क्या, तो 1 जून ऐसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं 3 जून, तो 3 जून जब हम दूध पी करके बड़े हो गए तो क्या हम लोग चलाएंगे, साइकिल चलाना सीख जाएंगे बचपन में, क्या जब दूध पीते पीते बड़े हो गए और साइकिल चलाएं, हाँ, तो 3 जून को साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद ऐसे याद रखेंगे ना, फाल 2-3 बार रिवीजन करें तो आपको क्रम याद रहेगा, दूध पिए, साइकिल चलाएं, 3 जून ऐसे याद रखना, 5 जून 7 जून बस, फिर ऐसे स्टोरी बनाकर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, आप ट्राई करके देखना। बात करते फिर 5 जून को क्या, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अब देखो बाइसाइकिल चलाएंगे भैया मेरे, तो बाइसाइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, अल्टरनेट मतलब कि इनडायरेक्टली आपका एनवायरमेंट क्या रहेगा, बहुत ही सेफ रहेगा। तो 5 जून को एनवायरमेंट डे, अब एनवायरमेंट सेफ है तो एनवायरमेंट सेफ है तो क्या होगा आपका, क्या होगा, तो अगला क्या, 7 जून को क्या, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मतलब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगर आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा, आपको खाद खाने चीजों की पदार्थ क्या होगी, बहुत ही साफ सुथरा मिलेगी, सेफ्टी के साथ मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब फिर बात करते हैं 8 जून को क्या, ब्रेन ट्यूमर डे या वर्ल्ड समुद्री डे। अब जब एनवायरनमेंट साफ रहेगा आपका तो आपको क्या होगा, खाद्य पदार्थ क्या में क्या होगा, सुरक्षा मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, फिर नुकसान नहीं होगा, खाद्य पदार्थ में सुरक्षा मिलेगा, तो उसको खाएंगे तो हम क्या होगा, बहुत सारे बीमारी से बचेंगे, जैसे ब्रेन ट्यूमर से बचेंगे। तो अगला दिन क्या होगा, 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे, बस ऐसे याद रखो स्टोरी। दूध पिया किसके साथ, अपने मम्मी पापा का, तो एक पहला नंबर, फिर बाइसाइकिल चलाया तो ये क्रम याद रखना, 3 को फिर बाइसाइकिल चलाने से पर्यावरण ठीक रहेगा, तो फिर 5 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी, तो फिर 7 जून को फिर ट्यूमर उमर से बचेंगे तो ट्यूमर डे ऐसे याद रखें। फिर 12 जून को क्या था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब देखो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मतलब कि 12 साल के बच्चों को क्या है, तो 12 से वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मतलब जो बाल श्रम मजदूरी करवाते हैं उनके विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। तो कितने छोटे छोटे 12 साल के बच्चों को वर्ल्ड लेबर हटाया था, तो उसके विरुद्ध 12 साल के छोटे बच्चे को, तो 12 से हो गया याद रखेंगे। बात करते हैं 14 जून तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब देखो क्या हो गया, 12 साल के छोटे छोटे बच्चे को अब जब श्रमिक मजदूरी पे कम क्या करोगे, खटाओगे, तो अब क्या हो गया, उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो आपको क्या करना, ब्लड डोनेट करना होगा, डोनेट करने के लिए रक्तदाता लाना पड़ेगा, तो वही क्या हो गया, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऐसे हम लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे। अब क्या करेंगे, 18 है ना, तो अब देखो जब ब्लड दिए तो वो बच्चे स्वस्थ हो गए, तब उनको घुमाने के लिए कहां ले जाएंगे, हम लोग पिकनिक ले जाएंगे, तो 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 21 जून को, अब 21 जून को पिकनिक जब हम मनाने गए तो पिकनिक मनाएंगे तो भैया बिना म्यूजिक के पिकनिक में मजा ही नहीं आएगा, और पिकनिक मनाएंगे, म्यूजिक लगाएंगे, और म्यूजिक लगाएंगे और साथ में क्या करेंगे, योगा भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, व्यायाम भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, है ना। 21 जून को क्या हो गया, पिकनिक भी मनाया,
18 दिन को पिकनिक डे, पिकनिक मनाया, पिकनिक मनाने के बाद क्या क्या म्यूजिक व्यूजिक चलाया, 21 दिन को म्यूजिक हो गया, बस डे आपको याद रखना सीरीज में 14 18 और पूरा स्टोरी याद रखना। तो ऐसे क्या आप लिख लिख के एक दो बार लिखोगे मैंने तो याद रहे, लेकिन ऐसे रटना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ तो आपको थोड़ा सा अलग करना होगा आपको ताकि आप आगे दूसरे जो रट रहे उससे आगे कैसे निकलोगे, तो कुछ यही उपाय। और इस तरह कोई आपको पूरा नहीं बताएगा, मैं सब डेट का बताया हूँ। अब बात करते 23 जून को, तो म्यूजिक बजा ठीक है, योगा किया, तो अब 23 जून को योगा जब कर रहे हो तो आप फिट हो गए, तो फिट कहाँ हो गए, ओलंपिक में जाओगे, तो ओलंपिक्स हो गए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और एक आता है विडो डे, मतलब विश्व इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल विडो डे, याद रखना है विडो मतलब विधवा होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे यार, देखो इंटरनेशनल ओलंपिक में आप गए, जो ओलंपिक में गए आपका खबर आया कि यार आपकी वाइफ चल बसी, मतलब आप है ना ऐसे याद रख सकते हो। अब बात करते हैं 26 जून को, अब 26 जून को क्या होगा, ड्रग एब्यूज डे। तो आप कैसे इसको याद रखो, ड्रग एब्यूज, अभी आप ओलंपिक खेल रहे थे ना, ओलंपिक खेल रहे थे तो आपने ओलंपिक में चीटिंग किया, क्या किया, ड्रग यूज किया, तो ड्रग यूज किया जो कि ड्रग यूज नहीं करना चाहते, तो ड्रग यूज किया, तो क्या हो गया, ड्रग एब्यूज डे, मतलब विश्व नशा मुक्ति दिवस, ऐसे याद रखेंगे। अब आप क्या करोगे, ड्रग जब यूज किया तो ड्रग यूज करने के कारण आपको क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, मतलब मधुमेह रोग के आप शिकार हो गए, तो वही 27 जून को क्या हो गया, वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो मेरी स्टोरी को आप याद रखो, ये आपको बता दे रहा हूं, 5 मिनट मेरी स्टोरी को आप खाली बोलो और डे इसे देख लो, 1 3 5 है ना, इस तरह याद हो जाएगा, क्योंकि आप रट नहीं सकते हो, कितना रटोगे यार, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग दिल से सब्सक्राइब कर देना, नए लोग जो होंगे, और शेयर करना खुद से अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस आपके ऊपर छोड़ता हूं आप वीडियो को कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।